हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे जो है आप अपने अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड को अपने ICICI मोबाइल पे ऐप के जरिए जो है आप इसे लॉगिन कर सकते हैं और कैसे जो है आप आई मोबाइल ऐप को ओपन कर सकते हैं इस कार्ड के जरिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बात बिल्कुल आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके लिए मैं चलता हूँ सीधे क्रोम ब्राउज़र में और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया यहाँ पे। और आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है, ICICI लिख करके सर्च कर देना फ्रेंड्स। और ICICI लिख के जैसे ही सर्च करेंगे फ्रेंड्स सबसे जो ऊपर वाला वेबसाइट आएगा ICICI बैंक का www.icicibank.com, तो आपको इसी बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना फ्रेंड्स। इसका जो ना मेरे पास पासवर्ड है, ना OTP है, ना पिन है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं आपको सब कुछ फिर से जनरेट करके दिखाऊंगा कि अगर आपके पास नया अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड है तो कैसे आप इसे जनरेट करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड इसका जो है कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसके लिए आपको यहाँ पे जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल का, तो आपको इस पर्सनल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पर्सनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इंटरफेस, यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है और यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड जो है ये मांग रहा है। मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड जो है कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड का, तो आपको यहाँ से फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको सबसे पहले यूजर आईडी फॉरगेट कर लेना और उसके बाद आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से गेट यूजर आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। गेट यूजर आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नेट स्लो चल रहा है और आपको जो यहाँ पे बैंक अकाउंट के जरिए जो है यूजर आईडी पासवर्ड को क्रिएट करना है, या फिर डेबिट कार्ड के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो मेरे पास फ्रेंड्स जो यहाँ पे है ये क्रेडिट कार्ड है और मैं इसी क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है मैं अपना ICICI बैंक इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करना चाहता हूँ आई मोबाइल पे ऐप को। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ और यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे एंटर क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पे एंटर योर मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ गया और जो मेरा यहाँ पे है डियर कस्टमर यू हैव रजिस्टर्ड ICICI इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आया। आपके यहाँ पे जो फ्रेंड्स मेरे जो टेस्ट मैसेज आया उसमें जो है यूजर आईडी आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे गेट पासवर्ड वाला ऑप्शन है, आपको इस गेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे यूजर आईडी डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ से टेस्ट मैसेज में यूजर आईडी डाल के इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है एंटर योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे एंटर योर मोबाइल नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए मेरे नंबर पे एक OTP आया है 7714437, तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ 37। और इसके बाद यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ फ्रेंड्स। और जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। और मैं अपने यहाँ पे जो है पासवर्ड अभी यहाँ पे एंटर न्यू पासवर्ड जो है हमको क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए जो पासवर्ड आपको ऊपर डालना है वही पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, जब पासवर्ड कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स एज आर इन योर यूजर आईडी, फॉर एग्जांपल इफ योर यूजर आईडी इज IND1234 देन योर पासवर्ड कैन नॉट बी IND। और यहाँ पे जो है एक अल्फाबेट नंबर देना है, जैसे *H या @ ऐसा कुछ देना है। पासवर्ड शुड बी ए मिक्स और अल्फाबेट्स विद अ मिनिमम ऑफ 1 अपर कैश लेटर, मतलब जो आपको लेटर देना है फ्रेंड्स वो छोटी बड़ी मिला के देना है, कुछ डिजिट देना है, कुछ अल्फाबेट्स लेटर देना है। द पासवर्ड लेंथ शुड बी बिटवीन 8 to 28 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 से 28 कैरेक्टर, 8 डिजिट का जो है आप यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी द सेम एज एनी ऑफ द लास्ट 4 लॉगिन पासवर्ड, और जो आपने 4 लास्ट लॉगिन कोई पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड से आपका मैच नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, तो कुछ अलग पासवर्ड होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। जब फ्रेंड्स आप पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल देंगे तो इस तरह से दिखा देगा आपका पासवर्ड जो है कितना स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, मेरा पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया है फ्रेंड्स ये जो है बिल्कुल स्ट्रांग यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स पासवर्ड डाल देने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। यहाँ जो पासवर्ड है सेव करके रखने के लिए बोल रहा है, तो मुझे पासवर्ड सेव करके नहीं रखना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है डियर कस्टमर यू हैव सक्सेसफुली जनरेट योर पासवर्ड, तो जो मैंने अपना पासवर्ड जो है सक्सेसफुली जनरेट कर लिया फ्रेंड्स। अब चलिए मैं अब यहाँ से कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं अब चलता हूँ अपना आई मोबाइल पे ऐप में और वहाँ से जो है मैं आपको बिल्कुल लॉग इन करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है आपको अपना आई मोबाइल पे ऐप को लॉग इन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे योर सेशन हैज एक्सपायर्ड हो चुका है, ये पेज जो है अभी यहाँ पे बंद हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से स्वाइप कर देता हूँ फ्रेंड्स और यहाँ पे जो है चलते हैं अपने आई मोबाइल पे ऐप में। देखिए आई मोबाइल पे ऐप जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा है लेकिन इसको ओपन नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं जो है यहाँ पे आई मोबाइल ऐप पे ऐप को जो है एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आई मोबाइल पे ऐप को आपको यहाँ से प्ले ऐप स्टोर से जाके ओपन लॉग इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से इसे ओपन कर लेना फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको करना है। और चलिए मैं यहाँ से आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और चलिए अब देखते हैं ये आगे का जो प्रोसेस होता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है, आपके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इसे पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे में आई हैव अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड द टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना फ्रेंड्स। इस चेकबॉक्स को यहाँ पे चलिए मैं यहाँ से इस चेकबॉक्स को यहाँ से इस क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से फिर से एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका नंबर जो है यहाँ पे वेरीफाई करेगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे वेरीफाई होने देते हैं और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक मैसेज जाने के लिए बोलेगा, आपको यहाँ से इस मैसेज वाले ऑप्शन पे इसे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, तो चलिए मेरा जो है यहाँ पे आईफोन है इसीलिए यहाँ पे मैसेज भेजने का ऑप्शन आएगा, आपका नहीं आएगा। तो देखिए मेरा जो है यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है सक्सेसफुल। और यहाँ पे आपको एक यहाँ पे पिन चार अंक का जो है पिन यहाँ पे जनरेट कर लेना है, तो जो पिन आपको ऊपर डालना है वही कंफर्म पिन में भी डालना है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से जो है यहाँ पे पिन सबमिट कर दिया और यहाँ पे जो है मेरा क्रेडिट कार्ड आ चुका है। और यहाँ पे जो है एंटर सीवीवी पिन जो है आपको यहाँ पे डालना है, और एंटर सीवीवी पिन जो आपके कार्ड के पीछे 3 डिजिट का होता है फ्रेंड्स वही आपको यहाँ पे जनरेट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैसेज भी टेस्ट मैसेज में आ चुका है, तो चलिए मैं यहाँ पे सीवीवी पिन डाल देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सबमिट कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ से जैसे जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे आई मोबाइल पे एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे जो है आई मोबाइल पे ऐप मेरा सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे लॉगिन क्विकली यूजिंग योर फेस आईडी का ऑप्शन है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसे अलाउ कर देता हूँ और अपना फेस आईडी डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे फेस आईडी डाल दिया ताकि मुझे बार बार लॉगिन करने में दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जो है मेरा सक्सेसफुली अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और मैंने आई मोबाइल ICICI बैंक ऐप का जो है इसको मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया फ्रेंड्स। यहाँ पे आप रीसेट पिन कर सकते हैं, यहाँ से पे बिल कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। और इस कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन है, आप यहाँ पे चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यहाँ पे ये दिखा देगा। और इस साइड आपका अगर कोई अदर क्रेडिट कार्ड अगर आपका बन के आता है इसी से रिलेटेड, जैसे ये वीजा कार्ड है अगर आपको रुपए कार्ड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। आगे जैसे जैसे कार्ड बनते जाएगा ये कार्ड जो है ऐड होता चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं जो आपको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए सिखाता हूँ कि कैसे आपको अपने कार्ड को मैनेज करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे माई कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। माई कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। अगर कोई कार्ड को आप लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए ये जो अमेजॉन कार्ड लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टेम्परेचर यहाँ जो आउटस्टैंडिंग है इतना दिया हुआ है, और जो इसका ड्यू डेट है ये भी दिखा रहा है फ्रेंड्स 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को मुझे देना है। और इसका स्टेट यहाँ पे जो है आप रीसेट पिन कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, और जो ये CVV पिन है जब आप इसको यहाँ से टच करेंगे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका CVV पिन दिखा देगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे जो है आपको यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से स्टेटमेंट देख सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके करंट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे पास्ट स्टेटमेंट या एनुअल पूरे साल का स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मैनेज कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके
आप यहाँ पे डोमेस्टिक एटीएम विड्रॉ वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से बंद कर देना, मर्चेंट आउटलेट को भी बंद कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि मर्चेंट आउटलेट का जो ऑप्शन है रुपए क्रेडिट कार्ड में होता है, अगर आप इसमें यूज करेंगे तो आपको पेनल्टी ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलाउ रहने देना है, टिप एंड पे वाले ऑप्शन पे बंद ही रहने देना फ्रेंड्स। इसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरनेशनल का, तो इंटरनेशनल में सब कुछ आपको ऑफ ही रहने देना है फ्रेंड्स। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा देगा जो जो आप करना चाहते हैं, व्यू मैनेज बिल रिसाइकल डेट कब है, आपका ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा बताने से वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ से सारा कुछ आपको बता दिया एक बार, उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इसके बिल को आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे 16,701 रुपया है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको एक क्लिक में जो है पेमेंट करूंगा और यहाँ पे जो है पेमेंट तुरंत से अपडेट हो जाता है। तो ये जानने के लिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।